भुवनेश्वर में भयंकर होउछि कोरोना स्थिति। रविवार राजधानी में 64 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ते। क्वारंटाइन सेंटर रु 36 रहिथिबा बेले लोकल केस 28 रहिछि। भुवनेश्वर में मोट आक्रांत संख्या 704 रे पहुंचिछि। गत 4 दिन भितर आक्रांत संख्या 150 टपिछि। सबुठू चिंताजनक विषय हला भुवनेश्वर में जे भली भाबे आक्रांत संख्या बढ़ुछि सेही अनुसार आईसीयू कि बेड नाही। 4 जिलार कोविड हॉस्पिटल रे आईसीयू रो व्यवस्था थिबा बेले खोरधारे सबु फिलअप। अर्थात भुवनेश्वर रे जदि कोरोना को नै कोनोसी रोगी को अवस्था क्रिटिकल हेउची तबे स्थिति संगीन हेबो। सरकारी तथ्य अनुसार भुवनेश्वर रे थिबा 2 कोविड हॉस्पिटल रो समस्त आईसीयू सज्जा भर्ती होई जाईची। सम रे 45 रो 45, किम्स रे 25 रो 25 बेड फिलअप होईची। राज्यर अन्य हॉस्पिटल गुड़िक मध्य कटकर अश्विनी हॉस्पिटल 34 आईसीयू बेड्रु मात्र 14 बेड फांका रही। गंजामर टाटा मेडिकल हॉस्पिटल 50 आईसीयू बेड मध्य 31 बेड फिलअप हो सारासह। बरगढ़ जिला कोविड हॉस्पिटल 8 आईसीयू 6 फांका रही सरकारी तथ्य कहती। राज्य में 422 आईसीयू बेड ता बेले 126 व्यवहृत हो। सेभळी राज्य रे 3 जिले रे आक्रांत संख्या बढ़ुवा बेले रोगी को पाई बेड नाही। केन्दुझर रे जिला कोविड हॉस्पिटल रे 100 बेड थिबा बेले रोगी संख्या 130 रे पहुंचीछि। सेहिपरी हॉटस्पॉट जिला गंजाम रे जिला कोविड हॉस्पिटल रे 160 बेड थिबा बेले 153 रोगी अछन्ति। सुंदरगढ़ जिला कोविड हॉस्पिटल रे 175 बेड थिबा बेले 166 रोगी रहिछन्ति। जहां दर्शाउछि जदि एही क्रम रे आक्रांत संख्या बढ़े तबे स्थिति अणायत हेबा सुनिश्चित। ओडिशा रे आओ आयुषी नाही 3-4 जो हॉस्पिटल रे से सरीगलाणी एते पेशेंट होउछन्ति कौन हम हॉस्पिटल मानकर जो बेड भी कम ट्रीटमेंट हो पारुनी भयंकर परिस्थिति है ओडिशा रे। नवीन बाबू से नवीन बाबू दाई तुम निजे सुपरविजन कर तुम आउ खाली कर्मचारी उपरे छाड़नी खाली ST5 करिवे ता नुए चीफ से डेवलपमेंट कमिशन करिवे ता नुए तुम निजे मंत्री मानको स्ट्रांगली दायित्व दियो डिपार्टमेंट वाइज से फॉलोअप करंतु। सेपटे कटक रे 11 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होईचंती। सिडिया अंचल रु 9 जन नुआ आक्रांत रहिचंती। बढ़ुतिबा कोविड संक्रमण रोकिबा पई आसंता सप्ताह रु कटक रे आरंभ हेबाकू जाउची प्लाज्मा थेरापी चिकित्सा। एही पद्धति रे अधिकरु अधिक रोगी को सुस्थ करा जाई परिबो एवं अनेक गुरुतर रोगी को जीवन मध्य रक्षा करा जाई परिबो बोली कहिचंती राज्य कोविड वैषयिक परिचालना कमिटी रो मुख्य। एहाकू आसंता 15 तारिख रे मुख्यमंत्री विधिवत भाबे शुभारंभ करिबे। कोविड रे आक्रांत होई सुस्थ होइतिबा व्यक्ति को ठारु रक्त संग्रह करा जिवो आउ सेही रक्त को प्लाज्मा रे परिवर्तन करी कोरोना रोगी को चिकित्सा करा जिवो। तेबे कोरोना रे सुस्थ हेबार 4 सप्ताह बा 28 दिन परे ही उक्त रोगी को ठारु प्लाज्मा पई रक्त संग्रह करा जाई पारिबो। रक्त दान करिबा पूर्वरु संपृक्त व्यक्ति को एंटीबॉडी टेस्ट भुवनेश्वर रे थिबा ICMR रे परीक्षा करा जिवो आउ सेठारु रिपोर्ट ठीक ठाक मिलिबा परे तांको ठारु रक्त संग्रह करा जिवो। तेबे एही रक्त 60 वर्षर ऊर्ध वयसर व्यक्ति विभिन्न रोगरे आक्रांत थिबा व्यक्ति गर्भवती महिलाक ठारु संग्रह करा जाई पारिबो नाही। एमानकर रक्त रे HLA नामक एक एंटीबॉडी रहिथाय जहाकी कोरोना रोगी को पई ढेर क्षतिकारक होइथाय। सेति पई सेमानकर रक्त प्लाज्मा पई निया जाई पारिबो नाही बोली डाक्टर कहिचंते। भारत रे ICMR परमिशन रे केरल दिल्ली कर्नाटक पंजाब भली विभिन्न राज्य व्यवहार कला परे आम तार पॉजिटिव इफेक्ट देखिलु। दिल्ली में प्रथम थर पर प्लाज्मा बैंक प्रतिष्ठा हला और ओडिशा सरकार गोटे आगुआ पदक्षेप हिसाब से गुरुतर रोगी प्लाज्मा थेरापी आरंभ करिसंती। आमर SCB मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर भाव में घोषित होती सब प्रकार प्रोटोकॉल और तार प्रोसीजर फाइनाल हो सारा हे तो आसंता सप्ताह आम प्लाज्मा थेरापी ओडिशा रे आरंभ करि परबा। भुवनेश्वर अपेक्षा कटक रे स्थिति अपेक्षाकृत भल रही। आसंता कालीठू कटक महानगर अंचल रु उठिब सटडाउन। कालीठू सकाळ 5टारु संध्या 7टा जाए दुकान खोला रहिब किंतु सहर रे रात्रि कालीन कर्फ्यू जारी रहिब बोली CMC पक्षरु सूचना दिया जाइछि। संध्या 7टारु सकाळ 5टा जाए नाइट कर्फ्यू रहिब। 50% कर्मचारी को नहीं खोला रहिब सरकारी कार्यालय। तेबे कोरोना कटकणा सत्वे सहर रे खोलिब शॉपिंग मॉल।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟଚ୍ ଇନ୍।